Hey, what's up, guys? Believe that this is my first name, and I know that कि मैं बहुत टाइम के बाद आ रहा हूँ आपके पास लाइक ये वीडियो लेके. तो कुछ मतलब घर में मतलब काम वाम होता है, मैं खुद तो जॉब करता हूँ तो इतना टाइम नहीं रहता था. तो मैंने सोचा कि यार नहीं, मेरे से जो जो भी सब्सक्राइबर है वो भी अनसब्सक्राइब कर देंगे, राइट? तो दैट्स वाई मैं जितने भी फैंस हैं मैं उनके लिए मतलब लाइक इतने टाइम से मैंने कोई प्रोडक्ट परचेज़ नहीं किया था, लाइक प्रोटीन रोटीन अदर अनदर ब्रांड जो भी है, तो चाहे वो इंडिया के ही ब्रांड क्यों ना, वो मैंने परचेज़ नहीं किया था. सो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बिल्कुल हेल्दी, ठीक है, एंड मसल बिल्डिंग सप्लीमेंट जो कि लीन बॉडी बिल्डर, लीन मसल बिल्डर, राइट, जिनको लाइक अपनी मसल गेन करनी है, ठीक है, और जो मतलब लाइक फैट बंदे होते हैं जिनके अंदर फैट ज़्यादा होता है, तो उनके लिए मैं प्रोडक्ट लेके आया हूँ. मैं खुद भी यूज़ करता हूँ मसल बिल्डिंग के लिए और अपनी आइज़, ब्रेन एंड लाइक प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, फेस के लिए, हेयर के लिए. तो आप इस वीडियो को देखिए, मैं उसका नाम बता देता हूँ. फर्स्ट जो प्रोडक्ट है, हाँ मैं बोलना भूल गया कि वो जो 3 प्रोडक्ट है उसमें एक बेस्ट प्रोडक्ट भी है जो कि मतलब टोटली हेल्दी है, तीनों हेल्दी हैं, बट एक जो है वो है लाइक टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है, हेल्दी है वो भी, मतलब लाइक नेचुरल है, ऐसा नहीं कि उसमें कोई लाइक स्टेरॉइड मिक्स है या फिर कोई ऐसा लाइक रॉ मटेरियल होता है जो वो मिक्स होता है, कुछ नहीं है ऐसा. तो मैं आपको बता देता हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसी को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ. ये है टेस्टो 10X, राइट? तो ये टेस्टो 10X है. तो इसमें क्या होता है कि लाइक ये पूरा आयुर्वेदिक टाइप से है, ठीक है. तो ये मतलब लाइक ऐसी पैकेजिंग आती है इसकी, ठीक है. तो ये जो पैकेजिंग है, हाँ जी, ये तो ये जो पैकेजिंग है ना, तो इसमें आता है एंड टू एंड का न्यूट्रिशन है ये, मतलब लाइक मैंने अमेजोन से किया था तो लाइक 650 का पड़ गया था, वैसे ये 750 रुपीज़ का है, 750 के आसपास. तो ये मुझे प्राइम मेंबर हूँ तो उन्होंने थोड़ा डिस्काउंट दिया, और मैंने अमेज़ॉन पे बैलेंस भी था थोड़ा यूज़ करके, तो ये मेरे को आई थिंक हाँ 580 या 550 का ही पड़ा है, ठीक है, सस्ता है. और इसमें 60 कैप्सूल्स होते हैं, ठीक है. तो ये जो 60 कैप्सूल्स है इसमें मैं आपको इन्ग्रीडियंट्स बता देता हूँ इसमें क्या क्या है. ट्रिब्यूलस टेरेस्ट्रीज फ्रूट एक्सट्रैक्ट, राइट, एंड इसमें अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट है, सफ़ेद मूसली पाउडर है, जिनसिंग रूट एक्सट्रैक्ट है, एंड इसमें लाइट्स आपका एक है एलार्जिनाइन, सिट्रोलिन मलाटे, जिंजर रिजोम एक्सट्रैक्ट है, जिंक सल्फेट है, राइट, और आपका है फेनुग्रीक सीड एक्सट्रैक्ट और म्यूक्योना प्यूरियंस एक्सट्रैक्ट है, राइट. बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले ही मतलब लाइक स्क्रिप्ट नहीं करता कि मैं पहले ही बता देता हूँ, मेरे पे इतना टाइम नहीं होता स्क्रिप्ट बनाने का कि मैं कैसे कैसे इसको इंट्रोड्यूस करूँ. तो मैं आपको लाइव ही इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स है वही बताता हूँ उसमें मैं आपको, ठीक है. तो जो इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं तो यही मैं आपको बता देता हूँ. तो इसमें आप फर्स्ट इसी में ही आप देखो, ठीक है, ये देखिए. सो आपको ये दिख रहा होगा, राइट. तो फोकस थोड़ा वो पता नहीं है, मैंने ये नया फ़ोन लिया था तो थोड़ा सोचा सिनेमैटिक करूँ, देखता हूँ कैसा सिनेमैटिक होता है इसमें भी. ये रियलमी X7 Max है, 128 GB. तो इसमें मैंने रिव्यू भी किया है इसका, तो आप वो वीडियो चेक कर लेना उसके बारे में, राइट. और ये हो गया आपका टेस्टो 10X, राइट. एंड सेकंड जो मैं बताता हूँ वो है आपका एच के वाइटल्स का है फिश ऑयल, राइट. तो ये जो फिश ऑयल है इसमें 60 जेलेटिन कैप्सूल्स है, राइट. तो पर डे मैं 2 लेता हूँ, तो अभी मैं थोड़ा खाना वाना खाऊंगा तो उसके बाद ले लूँगा, ठीक है. तो ये आपका आपको खुद ही पता है मेरे को रिव्यू करने की किसकी जरूरत नहीं, सिर्फ मैं इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ. और ये बहुत ही लाइक 350 रुपीज़ का मेरे को पड़ा है अमेज़ॉन प्राइम से, राइट. तो ये जो अमेज़ॉन प्राइम से मेरे को पड़ा है ये, तो इसमें क्या होता है
ये जो जेलेटिन कैप्सूल्स है, ठीक है, इसमें आपको लाइक ऐसा नहीं होगा कि आपने अगर चबा लिया तो फिश खाएगा, भाई इसको चबाना तो होता ही नहीं है, ठीक है। और अगर हम नॉर्मली कोई भी फिश ऑयल लेते हैं, ठीक है, तो फिश ऑयल हम कोई भी लेते हैं, हम उसको स्मेल करते तो वो फिश फिश आता है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें उन्होंने फ्लेवर ऐड किया हुआ है, लाइक मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि लाइक चॉकलेट फ्लेवर टाइप, तो ये इसमें है, ठीक है। 60 कैप्सूल है वो, ये आपका 1 मंथ चलेगा। और टेस्टो 10X ये भी आपका 1 मंथ चलेगा, इस हिसाब से अगर 2 टैबलेट पर डे लोगे तो, ठीक है। तो वैसे तो मैं 3 टैबलेट पर डे लेता हूँ, ठीक है, और ये मैं 2 टैबलेट पर डे लेता हूँ। तो ये हेल्थ कार्ड के बहुत ही मतलब बेनिफिट मिलेगा इसको, मतलब अगर आप परचेज करते हो, कंज्यूम करते हो तो आप, मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे अच्छा होता है कि ये एक बन सके। तो सबसे अच्छा जो इसका मैं वो बताता हूँ बेनिफिट क्या होता है हेल्थ के लिए, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसके, एंड ना ही इसके ऐसा नहीं है कि आपका जो रिप्रोडक्शन होता है टेस्टो 10X से, कि मैं जब तक ये ले रहा हूँ तो तब तक टेस्टो मेरा बूस्ट रहेगा, ठीक है, मसल बिल्ड होते रहेगा, और जब मैं छोड़ दूंगा तो वो जो रिप्रोडक्शन होता है नेचुरली, जो हमारी बॉडी उसको रिप्रोड्यूस करती है, उसका रिप्रोडक्शन करती है, तो वो रुक जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। और इसमें ऐसा नहीं है कि इसके बाद आपको साइड इफ़ेक्ट होगा इसको कंज्यूम करने के बाद अगर आप छोड़ देते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये 100% आयुर्वेदिक है, ठीक है, आप इसकी वेबसाइट पे जा सकते हो। तो इन्होंने इसमें अपनी वेबसाइट, क्या यार ये है ना, ये देखो शॉप ऑनलाइन, ठीक है, तो इसमें शॉप ऑनलाइन है www.n2ndnutrition.in, तो आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। चलो बात इसकी रही, आप, मैंने इसका बता दिया आपको, और अब मैं आता हूँ इस पे। तो ये सबसे बेनिफिट क्या रहता है इसमें, आपका ब्रेन, ठीक है, और आपकी आईज, आईज के जो अंदर एक आँखों की जो ब्लैक कलर की पुतली होती है ना, उसमें क्या होता है कि स्ट्रेस भरता है, हर चीज़ भर के ना ऐसा लगता है कि आँखों में दर्द होना, ठीक है। अगर आप कोई लैपटॉप वैपटॉप देख रहे हो, फ़ोन वोन देख रहे हो, आजकल ऐसे फ़ोन आते हैं लाइक उसमें रीडिंग मोड होता है, एक्चुअली मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, मैंने दवाई ली, अभी मैं सूप पी रहा हूँ, तो थोड़ा अच्छा बेनिफिट होगा इसलिए मैंने पिया है। तो क्या होता है कि उसमें प्रेशर पड़ता है, ठीक है, प्रेशर होने की वजह से वो दर्द होती है, आँखें आँखें रेडनेस होती है, आइस वीक होने लगती है। आजकल फ़ोनों में रीडिंग मोड आता तो है, बट फ़ोन के अलावा अगर आप जो बंदा लैपटॉप में वर्क करता है ना, 8 मान लो 1 बजे से 8 बजे तक, मतलब 8 घंटे की शिफ्ट है, 6 घंटे की शिफ्ट है, तो उसको बहुत ही प्रेशर होता है सर में दर्द होना, ठीक है। तो ये तो जस्ट मैंने अभी स्टार्ट किया है, अभी इसका बेनिफिट आना स्टार्ट होगा, और सर्दी में बहुत ही अच्छा होता है, और ये हेयर के लिए, आपकी स्किन के लिए, ठीक है। तो स्किन तो मेरी वैसे सही है, बट मेरा ऑयली स्किन है तो मैं उसको थोड़ा और अच्छा कर रहा हूँ ताकि पिंपल्स विम्पल्स ना हो, ठीक है, आइस हो गई, तो वो उस सब के लिए ये। और सबसे बेनिफिट क्या है, जॉइंट्स, जॉइंट्स में क्या होता है वो जो ग्रीस टाइप की होती है ना, उस चीज़ को ये मेंटेन रखता है, ठीक है। और उसके अलावा हार्ट, तुम्हारी हार्ट की हेल्थ जो होती है, जब जिसमें ब्लड पंप होता है, ठीक है, उस चीज़ को ये मेंटेन रखती है, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखती है। तो मतलब 24 आवर्स आपको हेल्दी चीज़ें मिल रही है इसके अंदर से, ठीक है। जो वेजिटेरियन है मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है, अगर वो ये चीज़ कंज्यूम कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं, उनके लिए अलग से आता है एक वेज वाला, ठीक है, प्लांट टाइप का होता है, जिसमें पालक वा हो गया, गाजर, खीरा, इन सबको मिक्स करके मतलब फिश ऑयल बनाया जाता है, ठीक है। अब ये मुझे नहीं पता कि वो 100% वेजिटेरियन है नहीं, तो आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं वेजिटेरियन फिश ऑयल, ठीक है। रही बात इसकी, तो इसके लिए भी आप हेल्थ कार्ड पे भी इसका पूरा पढ़ सकते हो उसके बारे में, ठीक है, और ये आपको 350 रुपये में मिल जाएगा अमेज़ोन में, ठीक है। और ये भी आपको आई थिंक 650 का है, तो कोई भी आपको डिस्काउंट डिस्काउंट आपके पास हो, अमेज़ॉन प्राइम मेंबर हो, तो उसमें कोई डिस्काउंट अप्लाई करके ये भी आपको 650 का मिल जाएगा, ठीक है। और
अब आते हैं मसल ब्लेस का क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है, मैं स्टार्टिंग से यही यूज़ करते हुए आया हूँ। तो ये मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं गेनिंग पे चल रहा था। गेनिंग में मुझे जितना वेट गेन करना था मैंने उतना कर लिया। अब मेरी बारी है उस वेट तो गेन है उसको मेंटेन करने में और मसल को मेंटेन करने में, ठीक है, उसको शार्प करने में, ठीक है, और कटिंग के तौर पे इसको मैं यूज़ करता हूँ। क्योंकि जब जब मैंने इसको यूज़ किया है तो मेरा स्ट्रेंथ भी अच्छी रही है, मतलब नॉर्मल स्ट्रेंथ मेरी सही है, बट मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए सर्दी के टाइम पे। मुझे अपने मसल को गेन करना है, जितना कि 16 इंच के मेरे बाइसेप्स है तो मुझे उसे मेंटेन करना है। अगर मैं ये खाता हूँ तो उसमें मेरे 2 से 3 इंच इंक्रीज़ होता है, मतलब डाइट को फॉलो करके और इस चीज़ को। तो मैं अभी लोडिंग फेज ले रहा हूँ, अभी मैंने 2 कंज्यूम कर लिया था, अभी 1 लूँगा खाना खाने के बाद, ठीक है। और उससे पहले मैं एक फिश ऑयल ले लूँगा, ठीक है। तो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ये हर किसी के लिए बेनिफिट होता है, अगर आप दिन में एक बार ले रहे हो डेली बेसिस पे, या दो मैक्सिमम होता है, 2 से 3, ठीक है। तो ये मतलब मैं लोडिंग फेज़ का बता रहा हूँ आपको। लोडिंग फेज़ में पहले ये 5 ग्राम का स्कूप देते थे, अब 3 ग्राम का कर दिया इन्होंने, क्योंकि 5 ग्राम में लोग क्या करते थे, वाटर कंज्यूम नहीं करते थे, ठीक है। तो वो लोग वाटर कंज्यूम नहीं करते थे तो इस वजह से उनको मतलब पेट में दर्द होना, ठीक है, किडनी पे प्रेशर पड़ता था, तो उस वजह से वो लोग कंज्यूम नहीं कर पाते थे, उस चीज़ को लेते ही नहीं थे। और इन्होंने कंपनी ने ये कर दिया कि आप सिर्फ 3 ग्राम का स्कूप लोगे, तो इस वजह से इन्होंने 3 ग्राम का स्कूप दिया। तो लोडिंग फेस अगर जिसका करना है वो 3-3 ग्राम का 9 ग्राम पर डे तो वो यूज़ कर सकता है, ठीक है, 4 to 5 डेज। और आप सबको तो पता ही है, आप इतनी नॉलेज आपके पास भी है, ठीक है। मैं सिर्फ मेरा ये मोटिव था आपको बताऊं कि मैंने 3 प्रोडक्ट जो परचेज़ किया है उसका रिव्यू करूं। और उसका एक चीज़ और, ये 100% नेचुरल है, प्योरिटी है, और ये लैब टेस्ट भी है। अगर आप इस पे देख सकते हो, ये देखो, तो इन्होंने इसमें स्कैन करने के लिए बोला है, स्कैन टू फाइंड अस ऑन लैब डॉर, ठीक है। तो लैब डॉर पे आप स्कैन करके इसको कर सकते हो कि मतलब ओरिजिनल है या नहीं। वैसे भी मसल ब्लेस तो ओरिजिनल ही होता है, फिर भी आपको सेटिस्फेक्शन के लिए आप इस पर स्कैन करके कर सकते हो। और क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर लाइक लीन मसल एंड मसल गेनिंग फार्मूला, ठीक है, जिन पर्सन को हु वॉन्ट्स मसल गेन, ठीक है, और हु वॉन्ट्स कटिंग फेस, राइट, तो वो ये कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो और ये सबसे बेस्ट ऑप्शन मोनोहाइड्रेट का ये है, ये जैसे ही हमारे स्टमक में जाता है और ये जल्दी से घुल जाता है, मतलब इसकी मिक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है। मिक्सिबिलिटी के साथ साथ, इसकी प्योरिटी के साथ साथ, ये सबसे फास्ट फॉर्मुलेशन करता है हमारे बॉडी में, रिएक्ट सबसे पहले करता है, ठीक है। और क्रिएटिन बहुत से फॉर्म आते हैं, मैं जिसका यूज़ करता हूँ मैं सिर्फ उसी के बारे में बता रहा हूँ आपको। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करके जितना हो सके शेयर करना। यार मैं बहुत छोटा यूट्यूबर हूँ, मैं सोचता हूँ कि अगर इससे अर्निंग हो जाए तो मैं अच्छे अच्छे प्रोडक्ट का रिव्यू कर पाऊँ, तो इसमें मेरी आप ही हेल्प कर सकते हो। देखो, और यूट्यूबर्स को आप हेल्प करते हो तो मेरे को भी करो यार, ठीक है। मैं भी यार मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप सब भी मेरा सपोर्ट करो, ठीक है। मैं भी तो आपका यार छोटा भाई बड़ा भाई हूँ, ठीक है। तो आप मुझे सपोर्ट करोगे तो आगे जाके और भी अच्छी वीडियो बनेगी, ठीक है। और ये जो फ़ोन मैंने लिया है ये भी तो अपनी सैलरी से ही लिया है मैंने, ठीक है। आगे जाके मैं यूट्यूब की सैलरी से कैमरा ले सकता हूँ, मतलब अच्छी अच्छी वीडियो बना सकता हूँ एडिट वेडिट करके। फ़िलहाल ये वीडियो मैं एडिट नहीं कर सकता बिकॉज़ अब मेरे पे कोई ऐसी चीज़ें नहीं है और ना मेरे पे कोई सपोर्ट है कि मैं कैसे इसको एडिट करूँ। तो फ़ोन से जितना मैं एडिट कर सकता हूँ मैं करता हूँ। जो थैंक यू सो मच, ठीक है। आई होप कि आपके घर में सब लोग अच्छे हैं, ठीक है, वो अच्छे ही रहेंगे हमेशा के लिए, ठीक है।
एंड जय हिंद एंड बिलीव दैट। हम मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करना, इस वीडियो को थम्स अप देना प्लीज़, और कमेंट में जो भी पूछना है कमेंट में पूछना, ठीक है? और अगर जो इसमें लाइक अच्छा ऑप्शन होगा, जो अच्छा कमेंट होगा कि मतलब हाँ जेन्युइन कमेंट, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, और उसे मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा जिसमें कि वो मुझसे हर चीज़ पूछ सके। थैंक यू सो मच, बिलीव दैट दिस इज माय वॉइस नेम। थैंक यू।